नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बाई पोल के बारे में। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों के लिए बाई पोल हो रहा है और ये बाई पोल बेहद महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। शमशेरगंज, भवानीपुर और जंगीपुर में ये जंग भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच होने जा रही है। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव ममता बनर्जी के भविष्य को तय करेगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव जीतना बेहद अहम है। विधानसभा के आम चुनाव के दौरान ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच चुनावी जंग हुई थी, जिसमें ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व में भी ममता बनर्जी यहां से विधायक रह चुकी है। भवानीपुर TMC का गढ़ माना जाता है। ममता बनर्जी के सामने प्रियंका टिबरवाल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ श्रीजी विश्वास CPM के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं दिया है। इस ऑनलाइन पोल के सर्वे में हमने सबसे पहला सवाल लिया था, क्या आप ममता बनर्जी के कामकाज से संतुष्ट हैं? यहाँ पर देखिए, हाँ कहने वाले 68% हैं, नहीं कहने वाले 18% हैं और कह नहीं सकते ऐसा कहने वाले 14% हैं। यानी आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या ममता बनर्जी के फेवर में है। यानी 68% लोग ममता बनर्जी के कामकाज से वर्तमान समय में बहुत ही संतुष्ट हैं। तो ये ममता बनर्जी के लोकप्रियता को दर्शाता है। चलिए अब इस ओपिनियन पोल में हम जान लेते हैं इन तीनों विधानसभाओं में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे भवानीपुर की। तो भवानीपुर वो विधानसभा है जहां से ममता बनर्जी स्वयं चुनाव लड़ रही हैं और भवानीपुर जो है वो ममता का गढ़ माना जाता है। अगर यहां पर देखें तो BJP के खाते में 26% वोट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ममता बनर्जी के खाते में 63% वोट जा रहा है। अन्य के खाते में 11% वोट जा सकता है। तो यहाँ पे ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है। ममता बनर्जी भवानीपुर का चुनाव बड़े मार्जिन से जीत सकती हैं। अब हम दूसरे विधानसभा की बात करें तो दूसरी विधानसभा है जंगीपुर। और जंगीपुर में देखिए, BJP और TMC के बीच टक्कर होने वाली है। जंगीपुर में अगर हम बात करें TMC की, तो TMC जंगीपुर जीत सकती है। TMC के खाते में 48% वोट जा सकता है, वहीं BJP के खाते में 36% वोट जा सकता है, अन्य के खाते में 16% वोट जा सकता है। तो जंगीपुर की जो स्थिति है, यहां पर भी TMC इस बार मजबूत होकर उभरी है और TMC जंगीपुर जीत सकती है। अगले विधानसभा की बात करें तो अगली विधानसभा है शमशेरगंज। शमशेरगंज की देखिए, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी BJP और TMC के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर TMC की, तो TMC के खाते में 47% यानी 47% वोट जाने की संभावना है। वहीं अगर हम BJP की बात करें तो BJP के खाते में 30% वोट जा सकता है और अन्य के खाते में 23% वोट जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर भी शमशेरगंज में BJP और यहाँ पर TMC के बीच टक्कर दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर भी TMC बाजी मारती हुई नज़र आ रही है। TMC की जीत का सबसे बड़ा जो कारण है इस उपचुनाव में, वो है TMC वर्तमान में सत्ता है, जिसके कारण TMC को जो है कि ज़्यादा समर्थन मिलने की संभावना है। तो देखिए, जो 3 विधानसभा वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, इन तीनों में ही TMC जो है कि जीत का परचम लहरा सकती है।